तो नमस्कार दोस्तों, और नवरात्र चल रहा है तो मैं आज आपको लेके चलूंगा नवरात्रि में, और वहां दिखाऊंगा आप। आज का ब्लॉग मैं वहीं बनाने वाला हूं नवरात्र में, और आपको दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है वहां पे। चलिए आइए चलते हैं भाई। तो अभी लगभग रात 11 बजे हैं, और यहाँ देखिए नाटक और कुछ कलाकारी का काम चालू है। अभी देख सकते हैं ये क्या हो रहा है। अभी मुझे भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। मैं सोचता हूँ, देखता हूँ क्या होने वाला है यहाँ पे। वही चलते हैं, देखते हैं आज का ब्लॉग क्या होने वाला है। सब नाच रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। मैंने सोचा यार मैं भी एक ब्लॉग बनाऊं आज, यार मैं भी लग गया लाइन में और फिर ब्लॉग बनाने लगा। यार देख रहे हो बढ़िया यार, इसमें लेकिन बाजा नहीं है, ये पूरा सूट बजा रहे हैं यार यहाँ पे। पूरा मतलब शंकर भगवान की बारात है, कमल यहाँ जा क्या होगा यहाँ। शंकर भगवान यार साइकिल पर बैठाए हुए हैं, मंदिर पर बैठाने की वजह। यार साइकिल पर ही बैठा के लेके जा रहे हैं। यार सब छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत तरस दे रहे हैं भाई साहब। क्या माहौल बना है, जो कुछ भी पा रहा वही तो बस आ रहा है भाई साहब। मज़ा तो बहुत आ रहा है भाई साहब, क्या कहते हैं, इतना मज़ा आ रहा है कुछ कहने के लिए। यार घर से आने के बाद पूरी नींद का वसूल हो गया कि भाई घर में सोता हो तो यार पूरा सुनेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि यार नवरात्र में लोग क्यों जाते हैं। पहले आरती करते हैं, पूजन करते हैं, फिर उसके बाद मनोरंजन भी करते हैं। वो देखिए भाई बहुत मज़ा आ रहा है यार, क्या ही बताएं कितना मज़ा आ रहा है। देख रहे हो यार, हमसे ज़्यादा कुछ छोटे छोटे बच्चे मज़ा ले रहे हैं। वो देखिए चार साल के बुजुर्ग भी बारात में शामिल हैं, बहुत तगड़ा जोश है उनके अंदर नाचने का। क्या जज्बा है बाबा जी का यार। वाह यार ये क्या हुआ, तीन है, तीन तीन बजाया है उनका। ये देखिए शंकर भगवान हमारे यहाँ पर साइकिल पर बैठा है, लेकिन बैल उनके गायब है। आप देख सकते हैं सूप साथ में लिया हुआ है लड़का, सूप भी बजा रहा है यार। मतलब एक बार सोचिए कितना अभिनय करने के लिए, कितनी प्रैक्टिस मानी चलिए एक दो दिन मिक्स, इतना औजार ये लोग जुटाए हैं। सूप है, और ये देखिए साउंड का सिस्टम है, जो क्या कहते हैं इसको, हरन हरन जिसको कहते हैं वो है, और पूरा कॉस्ट्यूम है यार। लेकिन क्या बताएं, अब आप लोग देखिए, हम भी देख रहे हैं आराम से इन लोगों को, और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बस देखते रहिए क्या हो रहा है और मज़े लेते रहिए। लेकिन यार सब लोग ने खूब अपना अपना कैमरा को चालू किए हैं, और सब मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। जितना लखिए देखिए, छाता भी लेके आए भाई साहब दूल्हे के लिए। और क्या बात है, मतलब जैसे शादियों में होता है फुल, वैसे ही आप अगर गांव में शादी में गए होंगे तो देखे होंगे कि छाता होता आदमी लेके आता है दूल्हे को ओढ़ाने के लिए, चाहे धूप रहे या छांव रहे, लेकिन छाता जरूर ऊपर लगाते हैं, क्योंकि गांव की यह परंपरा है। तो वैसे मतलब फूल एकदम शादी का आनंद ले रहे हैं लीजिए कि
को लगता है मर गया मान लीजिए और मैं किसी का आदत है सर एकदम फिर मजा आ रहा है भाई साहब को ताली बजा रहे हैं ये देखिए भाई साहब ताली बजा रहे हैं कुछ कहने के लिए नहीं टीम बहुत बजा रहा है यार इसमें का भाई देख रहे हो टीम कितना बजा रहा है अरे भाई साहब का यार फोर व्हीलर को निकाल रहा है यार ये इसको क्या कहते हैं यार जो पहने में लगा रहता है वही हो तो व्हील का जो होता है वही बजा रहा है भाई साहब भाई देख रहे हो मेरे पास लड़के कितना मजा ले रहे हैं ये देखिए जूम कर भाई ये दूल्हा कहाँ गया यार दूल्हा डांस चल रहा है भाई डांस करने वाले बहुत भाई मूंछ बनाया है यार छोटा वाला लड़का ये देखिए हर मुंडन का फुल मजा ले रहा है ये अब देखते हैं अरे यार ये देखिए कौन सा वो लगाया हुआ है मुखौटा ये लड़का देखिए शंकर भगवान का लिया हुआ है त्रिशूल मजा लेकिन बहुत आ रहा है भाई लाइफ में यार दुर्गा पूजा में जरूर जाओ दुर्गा पूजा ये ही पंडाल का पूरा लगा हुआ है पूजा आरती हो चुकी है पूजा और आरती होने के बाद कथा वथा होने के बाद फिर इसमें रंजन के लिए अभिनय किया जाता है बच्चे प्रस्तुत करते हैं भाई साहब छोटे वाले की देखिए छोटे वाले को यार पानी पिला रहे हैं भाई बारातियों को लड्डू तो बारात इतनी दूर से आई है यार पानी पिला रहे हैं भाई पानी देखिए भाई तीन फाट छोड़ने का जा रहा है अपना और खतरनाक बोरा पहना हुआ है यार काट के बीच से पूरा फुल मजा ले रहे हैं भाई साहब एकदम भाई घर से आने के बाद मालूम चला कि हाँ यार आना चाहिए अगर आने नहीं है तो भाई थोड़ा साइड हो जाओ साइड हो जाओ भाई थोड़ा बस और भाई मैंने एक चीज़ देखा है छोटे बच्चे बहुत कलाकार होते हैं देखिए बहुत खतरनाक कलाकार करते हैं उनको कला प्रदर्शन के लिए एक मौका मिल जाएगा बस यही दूल्हे को उतार लिया गया छाते के अंदर रखा गया छाते के नीचे भाई कहाँ ले जा रहे हैं यार उठा लिया दूल्हे को देखिए दूल्हे को यार तख्त पे ले जा रहे हैं बैठाने के लिए देखिए मान लीजिए जनवास जिसको गांव में जनवास कहते हैं वहाँ ले जा रहे हैं शायद मैं भाई दही का जो होता है दहेंगा जिसको कहते हैं गांव में हिंदी भाषा में एकदम ठेठ में दहेंगा जिसको कहते हैं वो भी साथ में भाई दही लेके आए हैं तो क्या क्या है ये आदमी क्या भाई इसको लेके घूम रहे हैं अभी तक छोटा वाला बहुत लगा रहा था इसे हम देखिए फुल मूड में एकदम बजाने के यार छोटे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनको जो करने के लिए कब करने दो फिर देखते हैं आगे क्या हो रहा है यार भाई ये यार बैठा दिए हैं
ये मतलब अब शादी होने जा रही शंकर भगवान जी। पंडित जी, पंडित जी हैं भाई साहब, फुल मतलब फुल व्यवस्था है। देखिए मतलब शादी करवा के रहेंगे आज। पंडित जी मंत्र पुनर पढ़िए, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाद हो जाए। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ नहीं रहे अभी यार। मतलब जयमाल स्टेज भी सजा हुआ है लेकिन सजा नहीं है, लेकिन ऐसे फूल लिए खड़ी हैं लड़कियाँ। ओ भाई यार कथा वथा चालू है। देखिए दूल्हे का भाई अभी पूजा हो रही है दूल्हे की, दूल्हे की पूजा भाई बारात जाए दूल्हे की पूजा ना दिख बेकार ही है भाई। दूल्हा आज एकदम खुश है, उसका सांप लेकिन यार वो लटकाया हुआ है क्या। सांप को थोड़ा सीधा करो भाई। चलो कोई नहीं, अपना देखेंगे, उनकी शादी होने दो फिर देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। पंडित जी कुछ बोल रहे हैं, दूल्हे को टीका लगा रहे हैं तिलक। देखिए दूल्हे का तिलक हो गया है और बराती सब खुश है भाई एकदम अगड़े से। मैं इस ब्लॉग को अपलोड करूँगा यूट्यूब पे अपने, आप लोग देखिए मज़ा लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा। देखिए बहुत लोग हैं भाई साहब, देखिए जयमाल की फुल व्यवस्था है। ओ यार कैमरा हिल रहा है, बहुत ज़्यादा आदमी लोग धक्का मुक्की चल रही है एकदम, इसलिए कैमरा हिल हिल जा रहा है। फूल माला, फूल माला फेंक रहे हैं। ये देखिए भाई डांस चालू हो गया, बरातियों का डांस। शुक्र शनिचर आ गए जी, आ गए जी, आ गए। शादी वाली रात में भोले की बारात में खाना सारा खा गए। बहुत तगड़े डांस चल रहा है भाई, शादी वाली रात में होली की बारात में गाना बजा के देह डांस किया जा रहा है। देख रहे हैं छोटे बच्चे सब 4-5-6 साल के, बहुत मज़ा ले रहे हैं। हंसने का भाई एक जरिया होता है, मेरी चीज दिखा है। मसाले वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, रुलाने वाले आपको मिल जाएंगे बहुत से। इसे लाइफ में हंसते रहो और जीवन का मजा लो, कभी दुख कभी दर्द लगा ही रहता है। लेकिन मुझे यार कभी कभी एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है, मैंने देखा है, क्या बोलूँ उसके बारे में। सब कुछ मुझे ठीक लगता है लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे दुख होता है यार। भगवान, जब कोई आदमी भगवान का रूप लेकर उसको डांस करते या करवाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता वो चीज़, क्योंकि भाई वो भगवान है, भगवान से डांस ना करवाएं तो ज़्यादा सही है। क्या आपकी राय, कुछ अपना आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी तो भाई यही राय है कि अगर कोई आदमी भगवान के कॉस्ट्यूम में है उससे डांस ना करवाया जाए। क्योंकि भगवान ही अगर डांस करेंगे तो यार फिर अच्छा नहीं लगेगा अपने को। और संस्कृत को बचा के रखें, बाकी मुझे सब कुछ पसंद है। आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यार, कुछ तो हो रहा है यार। चलो अब यहीं पे ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो का वेट करें आप।
जय माता दी।